नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और शाम के 5 बजे वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। फिल्म पद्मावत की रिलीज पर 4 राज्यों की सरकारों ने जो रोक लगाई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज हटा दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब फिल्म देश भर में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म का विरोध कर रही करणी सेना कह रही है कि अदालत ने भली हरी झंडी दे दी हो, फिल्म हमसे पूछकर ही रिलीज होगी। यानी इस बार करणी सेना अदालत से भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और इम्तिहान अब राज्यों की सरकारों का है कि कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। करणी सेना फिल्म को राजपूती सम्मान की लड़ाई बता रही है और फिल्म बनाने वाले फिल्म को राजपूती सम्मान का दस्तावेज। इसी घमासान के बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम बदला, फिल्म में 5 बड़े बदलाव सुझाए जिन बातों पर करणी सेना को एतराज था, और जो फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी उसकी रिलीज की तारीख बदलकर 25 जनवरी हुई। लेकिन सारी कवायद का नतीजा क्या ढाक के 3 पात ही रहेगा? इसीलिए हमारा आज सवाल है कि देश संविधान से चलेगा या फिर करणी सेना के कानून से? क्या अदालत के फैसले के बाद इस विवाद को खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? सेंसर बोर्ड से बदलाव के बावजूद करणी सेना का रुख क्या गुंडागर्दी नहीं कहा जाएगा? राजपूत वोट बैंक के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने क्या मुंह पर ताला लगा लिया है? और क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों की चुप्पी शर्मनाक नहीं है? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, अब उन्होंने हमारा पक्ष सुने बगैर अपना फैसला दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो माना जाएगा, लेकिन अभी अध्ययन करेंगे हम इस फैसले का, और अगर उसमें कोई अपील की गुंजाइश हुई तो उस पर भी विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय किया है उसका हम अध्ययन करेंगे, लॉ डिपार्टमेंट के लॉ सेक्रेटरी को भी बुला करके उनसे भी राय करेंगे कि इस फैसले के आधार पर हमको किस दिशा में चलना होगा। उनकी राय के आधार पर और कानून जो कुछ अधिकार हमें देता है उनको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आज अब जो 2-4 राज्यों का हमें समर्थन प्राप्त था, पूरे देश के सामाजिक संगठनों से अपील करूंगा, पद्मावती नहीं चलनी चाहिए, फिल्म हॉल पर जनता कर्फ्यू लगा दे। सुप्रीम कोर्ट के इस आज के आदेश के बाद में नई परिस्थितियों में नए सिरे से सोचा जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार जो बीजेपी की है वो कुछ कानून बनाती है पद्मावत पर, प्रदेश की सरकारें कुछ और, जो भाजपा की है वो कुछ और कानून बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का और सरकारों का क्या स्टैंड है यही स्पष्ट आज तक नहीं हो पाया। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की आदेश की बात है वो सबके लिए सर्वोपरि है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सूरजपाल अमू, जो कि हरियाणा बीजेपी के नेता हैं, पहले भी अपने बोल को लेकर विवाद में रह चुके हैं, बीजेपी का पद छोड़ा और आज एक बार फिर अपने बयान की वजह से इस मामले पर चर्चा में हैं। वो क्षत्रिय समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ हैं जवाहर यादव, जो कि हरियाणा सरकार का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ हैं पंडित अजय गौतम, जो हम हिंदू नाम से एक संगठन चलाते हैं। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी हैं, जो कि लेफ्ट पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ 2 लोग हैं जो कि फिल्म फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ अश्विनी चौधरी हैं, फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, और गजेंद्र चौहान हैं, जो कि अभिनेता निर्माता निर्देशक सभी कुछ हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। मेहमानों की संख्या को देखते हुए हमने आज घड़ी हटा देने का फैसला किया है। सबसे पहले सूरजपाल अमू, मेरा सवाल आपसे है जी। आप सुबह कह रहे थे कि फिल्म रिलीज होगी तो देश टूट जाएगा। मैंने कहा कि देश के इतिहासकार कपिल कुमार ने, जिसने सेंसर बोर्ड के कहने से फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म चली, और इंडिया टुडे पर ही उन्होंने कहा था, तो इससे देश के टुकड़े होंगे, देश के अंदर इससे गलत मैसेज जाएगा, हिंदू मुसलमानों के दंगे होंगे, तो इससे देश टूटेगा। मैं आज भी उस बात पर अड़िग हूँ। आप उनके कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, बंदूक तो लेकिन आप ही चला रहे हैं ना देश। मैं बंदूक नहीं चला रहा, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। अगर देश के करोड़ों लोग, युवा, करोड़ों युवा देश के सड़कों पर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तो सिर्फ वायाकॉम 18 को और संजय लीला भंसाली को खुश करने के लिए तुले हुए हैं लोग। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, सभी लोग करते हैं, परंतु देश का कानून हमारे लिए है ना। हम पे 2 लोग, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सुविधा देने के लिए, एक उनको खुश करने के लिए, पूरा देश के कुछ लोग उनके लिए तुले हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को खुश करने के लिए फैसला दे दिया? रोहित जी, आज सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माननीय
सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस आए, उनके सामने भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई वकील की सुनवाई तक नहीं हुई, हमारे पक्षों को नहीं सुना गया। ये सबसे बड़ी बात, गंभीर बात है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हम लोग रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, जाएंगे, परंतु अगर कोई न्यायालय में अगर अपील उन्होंने दायर की, अरे अयोध्या का मामला 60 साल से आपने नहीं सुनाया, और पद्मावती के पास जब रिव्यू पिटीशन का अधिकार है जी, आप देश तोड़ने की धमकी किस कैसे दे सकते? कभी नहीं दी ना दूंगा। मैं देशभक्त नागरिक हूँ, लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। देशभक्ति सिनेमाघर तोड़ने में, देशभक्ति बसों में आग लगा देने में, कभी नहीं, देशभक्ति लोगों को धमकाने में, कभी नहीं, देशभक्ति लोगों को डराने में, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। करनी सेना जो कहती है आप उसका समर्थन नहीं करते? मैं करनी सेना की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोकतांत्रिक तरीके से इस फिल्म का विरोध कर रहे थे, 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने एक टायर तक नहीं फूका, और उमर खालिद जैसे लोग और जिग्नेश भवानी जैसे लोग इस देश को तोड़ रहे हैं। उनका कुछ होता नहीं है सर। मुजफ्फरपुर में आज तोड़फोड़ हुई है, मुजफ्फरनगर आज तोड़फोड़ हुई है बिहार। अगर आप देश के लोगों की भावनाओं के साथ रोहित जी खिलवाड़ हो रहा है, आप ये देखिएगा ना, करोड़ों लोग इस फिल्म को नहीं देखना चाहते, नहीं चलना चाहते। आप लोग तैयार है इसके लिए? सरकार कोर्ट चलाएगी और सरकारें सिर्फ बैठ के गर्दन हिलाएंगी, पहले हाँ हाँ जी, फिर नाना जी, फिर हाँ हाँ जी, फिर नाना जी। नहीं, आपका मुझसे प्रश्न क्या, मैं उसको नहीं समझ पाया। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो फाइनली कोर्ट ने किया, और सरकार जो पहले नाना कर रही थी आज हाँ हाँ करने लगी, तैयार है इस चीज को निपटने के लिए जो सूरजपाल जी कह रहे हैं? देखिए, सरकार का काम होता है जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी कानून को ना तोड़ा जाए और जन भावनाओं का सम्मान करे। जन भावनाओं का सम्मान के नाते सरकार ने अपना एक निर्णय लिया, उस निर्णय के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट में गए, वहाँ माननीय कोर्ट ने एक निर्णय दिया। कोई भी सरकार माननीय कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बाहर नहीं जा सकती, परंतु जो इसकी जिनकी इस पिक्चर से असहमति है उनके पास और कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, वो उसमें आकर जाकर अपनी लड़ाई लड़े। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ है। परंतु हमारा बड़ा स्पष्ट मानना था, हमने जो निर्णय लिया, इस पे जो प्रतिबंध लगाया, वो लोगों की जनभावनाएं थी, लोगों की भावनाएं। पूरा हरियाणा इस बात से आपके सहमत है कि हमको पिक्चर नहीं देखनी, इसलिए बैन कर दीजिए? नहीं, देखिए, पूरे वहां विषय किसी पूरे समुदाय पूरे प्रदेश का विषय नहीं है। जब आपसे डेलीगेशन मिलते हैं लगातार, वो अपनी भार कहते हैं और जनभावनाओं का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन जनभावनाओं का ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करते हुए हमने अपना निर्णय लिया। परंतु सरकारें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बंधी होती हैं, उनके निर्णय के साथ हम हैं। परंतु जनभावना है, अगर अश्विनी चौधरी जी तो फिल्म रिलीज हो जाने देते, जनता देखने जाती नहीं, फिल्म पिट जाती, अपने आप तय हो जाता सब कुछ जी। धमकाने का क्या मतलब है लोगों को? नहीं, किसने धमकाया? आपने नहीं धमकाया। हाँ। जो धमका रहे हैं उनको पता है कौन धमका रहा। अश्विनी जी क्या कहते हैं जी? रोहित जी, रोहित जी, मेरा मानना ये है कि अभी जो अमू जी कह रहे थे, चूंकि अभी कुछ देर पहले मैंने इनका ANI पे बयान देखा कि अगर पद्मावत रिलीज होती है तो देश के टुकड़े होंगे। मेरा ये मानना है कि ये लोग जो भय का माहौल बना रहे हैं इस फिल्म के खिलाफ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो प्रतिबंध 4 प्रदेशों ने लगाया था जिसको हटा दिया है, उसके बावजूद ये जो भय का माहौल बना रहे हैं कि अगर फिल्म रिलीज होगी तो तोड़फोड़ होगी, अश्वनी जी ऐसी फिल्में बनाते क्यों? पहले तो जो इस तरह के लोग हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए। कहाँ है करोड़ों लोग? ये जो लोगों की भावनाओं के इस तरह के लोग खेल रहे हैं। मैं खुद हरियाणा से आता हूँ जवाहर यादव जी, अम्मूजी मैं खुद हरियाणा से आता हूँ, मैं खुद हरियाणा से हूँ। करोड़ों लोग कहाँ है? आप 25 तारीख को देखिएगा, वो करोड़ों लोग सिनेमा घरों में आएंगे। आप किस प्रकार की फिल्म दिखाना चाहते हैं? वो करोड़ों लोग सिनेमा घर में आएंगे पद्मावत देखने के लिए, 10 लाख लोगों की हत्या घर में बैठे होंगे। ये मैं 25 तारीख की शाम को आपसे देश की आजादी के समय 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। ये जो आप धमकियां दे रहे हैं ना, पिछले 6 महीने से मजाक बना रखा है। लीला भंसाली को धमकी दी, दीपिका पादुकोण को धमकी दी, ऐसे नहीं चलेगा। गला काटने की धमकी, ऐसे नहीं चलेगा। आपने उसके नाक काटने की धमकी दी, कैसे चलेगा? जब गला काट देंगे नाक काट देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। आपके तरीके से चलेगा? हम लोग इस प्रकार की बातें बना रहे हैं। एक तरफ आप ऐसी धमकियां देने वालों को कहते हैं कि ये देश में तालिबान लाना चाहते हैं और खुद तालिबान हो जाना चाहते हैं आप। पंडित जी आपके पास, आपके पास भी आप दूसरों को कहते हैं देश में तालिबान लाना चाहते हैं और खुद तालिबान हो जाते हैं। गला काट देंगे Viacom 18 ईस्ट इंडिया 2 के नाम से जानी जाएगी। आप लोगों से अपील करिए ना कि पिक्चर देखने ना जाएं। हम पिक्चर हम तो सामाजिक संगठनों के पास भी जा रहे हैं, तो जाइए ना। धमकी क्यों देते हैं? बिल्कुल जाएंगे। धमकियां क्यों देते हैं सर? धमकी देने की बात नहीं है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम 1.5 साल के अंदर ये लोकतंत्र की तस्वीरें दिखाई,
अभी हमने तस्वीरें दिखाई, वो लोकतंत्र है जहाँ थिएटर में तोड़फोड़ की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। जनभावनाओं को कैसे रोकोगे रोहित जी? ये जनभावना है, बिल्कुल जनभावना है, जब तो ये हो रहा है। तो इसका मतलब पंडित अजय गौतम वकील होने के नाते बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ठेंगे पे इन लोगों के? ये लोकतंत्र में नहीं, सवाल ये है, लोकतंत्र में विश्वास होता तो ये नहीं हो रहा होता। लोकतंत्र बता दे, पंडित अजय गौतम बोल रहे हैं। 23 मई 2005 फिगर उठा के देख लीजिए, दिल्ली के दो सिनेमा हॉल जिनके ऊपर पिक्चर लगी हुई थी जो बोले सो निहाल, लिबर्टी सिनेमा और सत्यम सिनेमा, दोनों में बम ब्लास्ट हुए और इवनिंग शो के अंदर हुए। ऑब्जेक्शन क्या थी? ऑब्जेक्शन सिर्फ ये थी सिख कम्युनिटी की कि जो बोले सो निहाल गुरु घर के अंदर ही प्रयोग हो सकता है। उसके बावजूद भी सिने फोटोग्राफी एक्ट ने उसको पास कर दिया गया, पिक्चर रिलीज हुई, नतीजा ये हुआ उसके उसके रिजल्ट में कैजुअल्टी हुई। अमीर हैदर जैदी, इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने बदलाव किए कि नहीं किए? फिल्म का नाम बदला कि नहीं बदला? इतिहासकारों को फिल्म दिखाई कि नहीं दिखाई? जिस समाज को एतराज था उसको फिल्म दिखाई कि नहीं दिखाई? इसके बावजूद भी आप यहां पर शर्तें लगाकर बैठेंगे तो इसका मतलब आप गले में पंदा बांधना चाहते हैं, देश के बंधक बना लेना चाहते हैं देश को? आज रोहित जी, आज बीजेपी शासित केंद्र सरकार हो या बीजेपी शासित राज्य सरकार हो, ये संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हावी हो रही हो और और इन सरकारों के ऊपर हिंदूवादी सेनाएं हावी हो रही हैं। अगर हमारे सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को अनापत्ति प्राण पत्र प्रमाण पत्र दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है इसे रिलीज कर दिया जाए तो आपत्ति क्या है? अगर किसी को कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए या सेंसर बोर्ड में जाए। ये खुल्लम खुल्ला आपकी एक क्लिपिंग है ना, देश संविधान से चलेगा या करनी सेना से? नहीं रोहित जी, देश संविधान से नहीं चल रहा, देश हिंदूवादी सेनाएं चला रही हैं। आपको और तकलीफ है क्या? कहने से ही सब कुछ चल रहा है क्या? देश संविधान से चलना चाहिए, ये हिंदुस्तान है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपसे बुझाना नहीं, गलत बात। ओबीसी और आप एक ही विचारधारा के लोग हैं, वो भी मुसलमान मुसलमान कहता है, आप हिंदू हिंदू कहते हैं। मेरी नजरों में ओबीसी भी आप जैसा ही, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरी नजरों में आप और ओबीसी एक ही थाली के चक्कर में हैं और अलग अलग हैं। जिस एक्ट की बात कर रहे हो, सुन ली, ओबीसी से हमारी तुलना करते हैं। अजय गौतम जी कहते हैं, जिस एक्ट की आप बात कर रहे हो, ओबीसी से हमारी तुलना करते हैं। ये पार्टी सिनेमा में बम ब्लास्ट हो गया था, अगर ये सिनेमा चली तो ये बम ब्लास्ट करने की धमकी डायरेक्टर तो देश की जनमानस देश की जनमानस जाने के देश किस चक्कर में था? अभी से बुलवा लीजिए, इनका यहाँ भी नजर आ रहा है। एक सेकंड, आप ऐसे काम करेंगे तो तुलना भी तो ऐसे लोगों से होगी। राजेंद्र चौहान, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको तो सरकार का करीबी कहा जाता रहा है। मेरा सवाल बड़ा सीधा सीधा आपसे है, आज आप सरकार की तरफ हैं या फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ? और दूसरा, पंडित अजय गौतम के सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या सिलेक्टिव है? एक धर्म पर तो आप सारे सवाल उठा लेते हैं, बाकी के टाइम पर आंखें नाक कान सब बंद कर लेते हैं। रोहित जी, मैं आपके चैनल पे एक भारत का नागरिक होने के नाते बैठा हूं। ये जो कहानी है पद्मावती की, अब पद्मावत हो गई है, ये कानून और भावनाओं के बीच अटकी हुई है। कानून सीधा सीधा चलता है, कानून भावनाएं नहीं देखता, लेकिन सरकारों को लोगों की भावनाएं भी देखती है, देखनी पड़ती है, समाज की भावनाएं भी देखनी पड़ती हैं। अगर लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं तो क्या जरूरी है कि एक ऐसी फिल्म रिलीज हो इस देश में जो लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है? मैं इसकी शुरुआत में पहले डिबेट से बोल रहा हूं, आज 3 महीने हो गए मुझे टेलीविजन के माध्यम से बोलते हुए, कि जब संजय लीला बंसाली को अगर पद्मावती नाम की फिल्म बनानी थी तो उसने उस परिवार के, उस राजघराने के लोगों को कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उनसे सजेशंस क्यों नहीं लिए? क्या आप वाकई में ये लेके चले थे कि उस राजघराने की, उस समाज की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं? मैंने पहले डिबेट में कहा था कि रानी पद्मावती जो है वो डांसर नहीं थी, वो रानी थी। और आपने पहले फ्रेम में जहां से ट्रेलर इसका दिखाया है, प्रोमो दिखाया है, उसको एक डांसर के रूप में दिखाया है।
आप किसी किसी की माँ का अपमान करेंगे, किसी समाज की माँ का अपमान करेंगे तो वो कैसे सहन करेगा? वो समाज चाहे कोई भी हो, मात्र रानी नहीं थी, 16,000 रानियों के साथ में जौहर करके भारतीय नारीत्व को जिंदा करना पूरे विश्व पटल पे भारतीय नारियों के मैं उन्हीं की बात का समर्थन कर रहा हूँ। उन अजय जी उन रानियों की माँ थी, वो उन रानियों की माँ थी, उस समाज चौहान माँ के रूप में देखता है, देवी माँ के रूप में देखता है। ठीक है, आप राजपूत देवी माँ को एक डांसर के रूप में पेश करेंगे? गजेंद्र चौहान, ठीक है, आप राजपूत हैं, आज आप राजपूत समाज की बात रख रहे हैं, उनके मन की बात कह रहे हैं। पद्मावती को सम्मान केवल राजपूतों ने नहीं दिया, इस पूरे देश ने दिया है। भारत का एक नागरिक होने के नाते ये बात कह रहा हूं आपसे। लेकिन आज अदालत के हिसाब से देश चलेगा या भावनाओं के हिसाब से चलेगा? क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं तब भी जब उनकी सारी बातें मान ली गई हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कानून मैं आपसे कह रहा हूं, कानून सबसे बड़ा है, हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम लोगों की भावनाओं को भी नहीं आहत करना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सर, आपकी भावना, मत जाइए ना पिक्चर देखने, करवाइए पिक्चर को फ्लॉप, बैठिए घर पे, बोलिए कि नहीं जाएंगे, अपने साथियों से भी कहिए मत देखिए, आप पत्थर फेंकेंगे। अरे देखिए, ये विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि भावनाएं जो है वो लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है, उससे ज्यादा आहत हो चुकी है, इसलिए ये विरोध जो है धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेता जा रहा है। अश्विनी चौधरी, अपनी बात रखिए, फिर जवाहर यादव आपके पास आ रहा हूं। बोले अश्विनी चौधरी। नहीं, हम तो जाएंगे ही नहीं, मुझे नहीं लगता राजपूत समाज से कोई पिक्चर देखने जाएगा। ठीक सर, अश्विनी चौधरी बोलिए। नहीं, मैं गजेंद्र चौहान जी, मैं जो ये कह रहे थे मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। पहले तो अपने आप में ये बहुत दुखद है कि गजेंद्र चौहान जी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आज वो पद्मावत के खिलाफ बोल रहे हैं, उसकी रिलीज के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने आप में एक बहुत दुखद बात है। ये गजेंद्र चौहान जी को मैं बोलना चाहूंगा। दूसरी बात देखिए, मैं जो आप बात रोहित जी, पहले मेरी बात सुनिए कि उनके परिवार के लिए लाइन में इसका जवाब देना चाहूंगा अश्विनी जी की। संजय लीला भंसाली ने बोला उनकी कहानी फिक्टिशियस है, उनकी कहानी पद्मावत पर आधारित है, और उसके बाद जो अभी रोहित जी बिल्कुल नहीं, डिस्क्लेमर सेंसर बोर्ड के बाद डाला गया है, सेंसर बोर्ड के दबाव में आकर डिस्क्लेमर डाला गया है। ये जो बार बार आप ये कह रहे हैं ना, देश में माहौल खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। सरकार को एक्टिवली के लोगों पर पाबंदी करके टीवी पर एक सेकंड, गजेंद्र चौहान बोलिए, उसके बाद जवाहर यादव जवाब दीजिएगा। बोलिए गजेंद्र चौहान। रोहित जी एक मिनट, अश्विनी जी ने पहली अश्विनी जी की पहली लाइन का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि गजेंद्र चौहान फिल्म इंडस्ट्री के होते हुए पद्मावत फिल्म का विरोध कर रहे हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री की आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था, जब मैं एफटीआई का चेयरमैन बना था तो इन्होंने मेरा विरोध किया था, तब मैं इंडस्ट्री का नहीं था, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। आज आप इसलिए विरोध कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, मुझे अपनी बात कहने की। अश्विनी चौधरी, आप पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं पद्मावत के कंधे पे बंदूक रख के। एक सेकंड रुक जाइए, जवाहर यादव एक सेकंड, आपको फिल्म इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बनाया गया, बहुत पुराना हो चुका है, इस बात को लेकर फिल्म इंडस्ट्री की आजादी की हो रही है। एक सेकंड प्लीज, प्लीज की आजादी की बात कर रहा प्लीज, आज बात अभिव्यक्ति की आजादी की। जवाहर यादव के पास आ रहा हूं मैं, आप दोनों को रोकते हुए जवाहर यादव के पास आ रहा हूं। जवाहर यादव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म रिलीज करो, अब फिल्म रिलीज होना, उसका शांतिपूर्वक चलना जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग तैयार हैं? हम अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाएंगे सरकार से, जैसे राम रहीम में निभाई थी 126 करोड़ को आग लगवा के। नहीं, अगर आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर ही आपने देना तो जैसे जाट आंदोलन में करवाई थी 30 लोगों को गोली मरवा के मेरे। अब आप डिबेट किस पे कर, पद्मावत पे डिबेट कर रहे हैं या कानून व्यवस्था में? सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के हैंडल ना कर पाने पर अकर्मण्यता पर डिबेट कर रहा हूं। नहीं, इसलिए पहले टॉपिक पे पद्मावत पे बात कर लेते हैं, उसके अलावा जब आपकी सरकार की नाकामियों पे डिबेट कर रहा हूं, जिसकी वजह से आपने जाने कह दिया कि हम ध्यान लगा रहे हैं, हम नहीं चला सकते। आपका ये टॉपिक
नहीं था, मुझे बताया नहीं गया। अगर ये टॉपिक अच्छा, बताते तो आप आते नहीं। नहीं, फिर मुझे डिसाइड करना था, ये मेरा अधिकार, मेरा बोलने का अधिकार भी छीन लेंगे। आप कांग्रेस की तरह बैकआउट कर जाते हैं, हम नहीं बोल रहे जिस पर, मैंने क्या करना, हमारा वोट बैंक का हाथ हो सकता है। नहीं, मैंने क्या करना था ये आप ही तय करेंगे क्या? आपने तो मेरा अधिकार कहा कि हम फिल्म रिलीज नहीं करेंगे, क्या उसके पीछे हरियाणा सरकार का डर नहीं था कि हम लॉ एंड ऑर्डर हैंडल नहीं कर पाएंगे? ये आपकी सोच है, ये व्यक्तिगत, ये मेरा सवाल है। हाँ, इसलिए जो आपका सवाल है ये व्यक्तिगत सोच का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है उसने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, तो हमें पता है ना कि हमसे लोग कितने मिले होंगे जिन्होंने इसके लिए कहा होगा कि इस पिक्चर को नहीं आना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं, और ये केवल एक राजपूत समाज का विषय नहीं है। जब हम इसको एक राजपूत समाज से जोड़ते हैं तो हम पद्मावती का कद भी कहीं ना कहीं छोटा करते हैं, और साजिश के साथ ये किया जा रहा है, अनजाने में कर रहे हैं या जानबूझ पे कर रहे हैं। मैं अपने विषय पे आता हूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जनभावना का इश्यू, उसमें राजपूत हो, उसमें दलित हो, उसमें हिंदू हो, उसमें मुस्लिम ने भी कहा, उन्होंने ये कहा कि ये पिक्चर नहीं आनी चाहिए। उस भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, हमने कानून ने हमें एक अधिकार दिया था कि उस पर हम प्रतिबंध लगा सकते थे, मंत्रिमंडल ने वो प्रतिबंध लगाया, उसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ है। जिनको आज भी इस पर आपत्ति है उन मित्रों से मेरा निवेदन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा से जाए और अपनी बात को ठीक से रखे। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ बंधे हैं, क्योंकि प्रदेश की सरकार कानून से चलती है और हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। सूरजपाल जी, आपको अच्छा लगता है कि जिस करणी सेना को, जिसके लोग ये कहते हैं कि हम तो बड़े देशभक्त हैं, हम तो हिंदू समाज के हित के लिए खड़े हुए हैं, उसको लोग गुंडा कहें, अच्छा लगता है आपको? रोहित जी, अभी गजेंद्र जौन ने एक बहुत अच्छी बात कही, राजघराने से राजा महेंद्र सिंह जी का परिवार, जो पद्मनी जी का परिवार है सर, उनके विचार सुने बगैर, उनसे उनकी बात सुने बगैर आज सेंसर बोर्ड ने निर्णय ले लिया। सेंसर बोर्ड ने इतिहासकारों को बुलाया, इतिहासकारों ने फिल्म का विरोध किया, उसके बावजूद भी प्रसून जोशी ने सर्टिफिकेट दे दिया। अगर सर्टिफिकेट देने के बाद अगर देश का प्रधानमंत्री आज भी चाहे तो मैं समझता हूँ ये बहुत अभी भी ये रद्दी के टोकरे में जा सकती है। आपको लगता है सर, मैं देश का काम फिल्म रिलीज करना और सर सुनिएगा, आप तो पॉलिटिकल पार्टी के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं सर, कैसी आप बातें कर रहे हैं सर? नरेंद्र मोदी जी मेरे हैं, मैं नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता हूं, डिसाइड करता है फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, फिल्म रुकेगी नहीं लगेगी सर। सुनिएगा, करोड़ों लोगों की भावनाओं को देश के प्रधानमंत्री, तो आपकी तो पार्टी के पीएम है ना, जाइए बात करिए उनसे, ले लीजिए अपॉइंटमेंट, हर कार्यकर्ता पीएम है, हर कार्यकर्ता पीएम है सर। अगर मोदी जी में आए होंगे पिक्चर का टेप लेके बैठ के देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए रिलीज होना चाहिए कि नहीं। भाजपा शासित चार राज्यों ने, कांग्रेस चूहे की तरह बिल में घुस गई, केजरीवाल बोल नहीं रहा, अरे कम्युनिस्ट आज हमारे सामने आके बात कर रहे हैं। अगर चार भाजपा शासित राज्यों ने अगर प्रतिबंध लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो अगर वो कर रहे हैं सर, तो उनको ये है सर, अमीर हैदर जैदी साहब के सेंसर बोर्ड को हटा देते हैं, बीजेपी के सीएम्स को बुला लिया करेंगे, उनसे कहेंगे पिक्चर देखिए सर, उनको मालूम है जनभावनाओं को समझते हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं को समझा। रोहित जी, गजेंद्र जी इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो किसी संस्था के जब अध्यक्ष बने थे तो फिल्म सिटी ने उनका विरोध किया था, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो खुद बता दिया। दूसरे, मलिक मोहम्मद जैसी इस फिल्म के, इसके कहानी जैदी साहब आपको डिटेल्स मालूम नहीं है, कहानी का मैं अश्विनी चौधरी की बात का जवाब दे रहा था। कल्पना है मिस्टर जैदी, रानी पद्मावत, मिस्टर जैदी सुन लीजिए एक मिनट, मैं अश्विनी चौधरी बोल रहे थे, मैंने बोल रहा था, ये कल्पना है आपको, मेरा मुद्दा है, एक सेकंड जैदी साहब, ये कल्पना है आपको, किसने बताया आके बताइए तो सही, सुन लीजिए आपको किसने बताया ये कल्पना है, मलिक मोहम्मद जैसी की कल्पना है ये, आपको मलिक मोहम्मद जैसी आपके सपने में आए थे कहने, कल्पना है मुझे नहीं करिए, बता दीजिए जैदी साहब आपको किसने कहा ये कल्पना, आपने किस आधार पर तय किया कल्पना? एक शायर, एक कवि अल्पी अपनी कल्पना हर शायरी में, हर कविता में रखता है, उसने किया है। जैदी साहब, बात मुकम्मल होने दीजिए, इस तरह के आस्था के विषयों पे ऐसे कमेंट्स करेंगे और वापस पलट के जब आप पे कमेंट किया जाएगा आपके लिए डिफेंड करना बड़ा कठिन हो जाएगा। आप बात, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आदि बात सुन के कोई भी कमेंट करने की भावना है उसके साथ नहीं है सर, आदि बात सुन के कोई भी कट कर सकता है, आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरा दोष नहीं है। दूसरे, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा, उसके बाद विलन कौन है इसके अंदर, वो भी एक कोई चंगेज खान, वो भी मुसलमान है, दोनों मुसलमान, सुन लीजिए अब बात को, और मुसलमान करने वाले कौन थे सबसे ज्यादा, कर रहे हो सर, इस देश में हमला करने वाले कौन थे बाहर से आके सबसे ज्यादा,
सर आपको बुरा लगा अलाउद्दीन खिलजी एक डिक्लेयर लुटेरा था, देश आजाद होता अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एक डिक्लेयर लुटेरा था, क्या बोल रहे हैं सर? एक बार फिर आपका स्वागत है दंगल, आप देख रहे हैं। सवाल ये कि देश संविधान से चलेगा या फिर करणी सेना के कानून से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्मावत को देश भर में रिलीज किया जाए, चार राज्यों की सरकारों ने हाथ खींच लिए थे। क्या अब वो ये गारंटी दे पाएंगे कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि करणी सेना लगातार चुनौती दे रही है कि फिल्म तो हमसे पूछकर ही रिलीज होगी। पंडित अजय गौतम अपनी बात रखिए। दो छोटे छोटे पॉइंट जल्दी से अपने कह देता हूं। भी अश्वनी चौधरी जी यहां बैठ के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इतनी बड़ी वकालत कर रहे हैं, जब विश्व रूपम को मुस्लिम कम्युनिटी ने ऑब्जेक्ट किया था, पूरे तमिलनाडु में लाखों लाख मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आ गए थे और विश्व रूपम को अपनी फिल्म उनको दिखानी पड़ी थी, तब ये कितना खड़ा हुआ था कमल हसन के साथ? यहां बैठ के ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा, जब 1988 के अंदर तमस सीरियल की बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी बना के उसमें से ऑब्जेक्शनेबल सीन हटाए थे। तीसरी बात, आप पूरा सिने फोटोग्राफी एक्ट पढ़ के दिखा दीजिए। सिर्फ फिल्म मेकर को ऑप्शन है सेंसर बोर्ड के डिसीजन को चैलेंज करने का, ना स्टेट को राइट है ना किसी इंडिविजुअल को राइट है। तो मुझे बता दीजिए कि हम कौन से प्रोविजन में जाके अपना विरोध दर्ज कराएंगे? बार बार बात कर रहे हो कानून 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 ने हमें जब खड़े होने का ऑप्शन नहीं दिया रोहित जी, हम कहां जाके चैलेंज करेंगे? आपने रख दिया बात, इसलिए आप सड़कों पे आ गए। रोहित जी, दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आज जितने भी हिंदूवादी संगठन सब कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही है, आतंकवादी है, तीन तलाक के ऊपर फैसला सर ऐसा है। अभिव्यक्ति की आजादी पे बात कीजिए ना, मैं दो पे बात, अभिव्यक्ति की आजादी पे बात कीजिए, फैसले में बात कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी पे बात कीजिए। फैसले आए, अभिव्यक्ति की आजादी पर फैसला आया मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट ने तो आतंकवादी को फांसी भी चढ़ाया था, जिसके लिए आप आधी रात को जाके खड़े हो गए थे कोर्ट के बाहर, तब भूल जाते हैं कोर्ट को, कोई सड़कों पर नहीं आया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी को फांसी दी, आप लोग आधी रात से दरवाजे चले गए, ये सम्मान सुप्रीम कोर्ट का? दो तरफा मत करते आप लोग। एक सेकंड मुझे एक बात बताइए अमीर हैदर जैदी, आप अभिव्यक्ति की आजादी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेटनिक वर्सेस तो आज तक आप लोगों ने पब्लिश होने नहीं दी हिंदुस्तान में आके, आप हमें बताते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के बड़े पक्षकार हैं आप लोग? मेरी किस पार्टी को पत्थर मारते हैं आपके लोग? सुन लीजिए, मेरी पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल में क्या होता है आपको नहीं पता? क्या पत्थर मारते हैं आप? किसका बचाव कर रहे हैं? अपनी पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का। आपने किससे बात शुरू की? मुसलमानों से? अपनी पार्टी से? सुन लीजिए, वो इसलिए तुलना की कि नाम अमीर हैदर जैदी हो के बार बार ये कह रहे हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता होके भी अमीर हैदर जैदी से पीछा नहीं छुड़ा सकता, याकूब मैं नहीं छुड़ा सकता, याकूब मैं। लेकिन अगर मुसलमान आता है तो मुसलमान सर उठाकर सर झुकाकर सुनी अभिव्यक्ति की आजादी का जवाब नहीं दिया मेरी बात का। क्या सैटनिक वर्सेस आज तक क्यों बैन है? सैटनिक वर्सेस में ऐसा कौन सी आग लग जाती है जिसपे आप सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं? फिर जाके किसी भी, अगर वहां आपकी आस्था पे चोट पहुंचती है या उनकी आस्था पे पहुंच रही है? एक मिनट सर, मैं अगर राम की हिंदू राम के बारे में कोई गलत कहे मैं उसका भी विरोध करता हूं, हिंदुओं के भाइयों की भावनाओं की आस्था को ठेस पहुंचे मैं उसका भी विरोध करता हूं, आस्था के विरोध में हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये सही है तो मैं अपने कोर्ट का कानून का सम्मान करता हूं और उसका सम्मान मैं हमेशा, मैं वैसे भावनाओं का सम्मान करता हूं, कोई पिक्चर को रोकने की बात करे तो उसे गुंडा कहता हूं, है ना? कब कह रहा हूं जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कब कहा? मैं सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
हिंदुस्तान के देशभक्त मुसलमानों का सम्मान करते हैं, परंतु इस देश के खाने वालों के अफजल गुरु के समर्थक उमर खालिद जैसे लोगों को सर अभिव्यक्ति की आजादी हमारी भी उतनी है। हम तो एक बात कहते हैं, हमने कहा है हम माँ पद्मावती का सम्मान करते हैं और हम सिर्फ उसकी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाओं की कदर की जाए। गुरु को जो शहीद कहते हैं उसके साथ खड़े, अरे आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप बीजेपी, अरे आप खड़े हो, आप कम्युनिस्ट लोगों ने देश, अरे दोस्त देश, बीजेपी से अरे हिंदुस्तान का खाने वालों, हिंदुस्तान का खाने वालों, आप देश के लिए आरएसएस के लोगों की हत्या कर रही है आप लोगों ने, केरल के अंदर आप लोगों ने हिंदुओं को मारा, केरल के अंदर हिंदुओं की हत्या की आपने, बुरहानवानी को मार दो सर, केरल के अंदर हिंदुओं की हत्या की आपने सर, हत्या रहे हैं आप लोग, बुरहानवानी के पक्ष में आप, यह है पक्ष नहीं है, आतंकवादी मानता हूँ, आतंकवादी मानता हूँ, आप कह रहे हैं आज माँ पद्मावती का सम्मान हो रहा है, एक सेकंड सर, कैलेंडर में फोटो छापती सर, एक सेकंड, अगर जीना तो आशा में पिक्चर बनेगी, आप अजय को बताओ मदर मैरी पे पिक्चर बनेगी, चलने दो जीना तो आशा में, अगर इस देश में विलंब तो बोलो जाओगे उसके उसकी प्रमोशन के लिए, उसका पोस्टर लेके जाओगे, अगर कल को कोई इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस में से कोई कैरेक्टर निकाल ले जिसका नाम आयशा हो, जिसका नाम जीनत हो, जिसका नाम मदर मैरी से मिलता जुलता हो, तो मुझे बता दीजिएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कितने बड़े आप हिमायतदार होंगे, सोच अब सोच में अफसोस हो गया, माता सीता पे कोई अपमान करेगा तो उसका विरोध, उसके बाद दुर्गा का अपमान करेगा उसका विरोध, इतिहास के करेक्टर को आप उनसे मिलाते हो, प्लीज 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 आप अब रुकिए ना, अब रुकिए गजेंद्र जी, करनी सेना तो चलिए आज खड़ी हुई है, आप तो टीवी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं जी, आपको पद्मावती का सम्मान आज याद आया, तब याद नहीं आया था जब भारत एक खोज में उनके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री चल गई थी, उसमें उनका नाच गाना भी दिखाया था, उसमें वो प्रेम प्रसंग भी दिखाया था जिसको आपने फिल्म से हटवा दिया, तब एक्सेप्टेड था, आज आप लोग जाग गए तो एक्सेप्टेड नहीं है सर, तब आपका मीडिया इतना, तब आपका एक मिनट, अच्छा, मैं हमारी वजह से जवाब देने से पहले आपसे एक मिनट चाहूंगा, ले लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए मेरी बात, ले लीजिए आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी की बात लेकर संजय लीला बंसाली ने पिक्चर सेंसर बोर्ड को दिखाने से पहले, सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए, सेंसर बोर्ड को दिखाने से पहले इस देश के तीन बड़े पत्रकारों को दिखाई थी, उन्होंने बाहर आके उसका प्रवक्ता बनके अपने अपने चैनल पे बैठ के कहा था कि इस फिल्म में एक भी फ्रेम काटने लायक नहीं है, उसके बाद फिल्म सेंसर बोर्ड में गई, सेंसर बोर्ड में उसे कट दे दिए, उसमें डिस्क्लेमर डाल दिया, उसका टाइटल चेंज कर दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो पत्रकार गलत थे या सेंसर बोर्ड गलत है, गजेंद्र भाई बताइए, अश्विनी चौधरी एक सेकंड सर, बताइए अश्विनी चौधरी एक सेकंड सर, सर एक सेकंड, आप लोग तो बोल ही रहे ना, उनको भी बोलने दीजिए, बताइए अश्विनी चौधरी, ये कौन सा सेंसर बोर्ड है भाई जिसको पिक्चर बाद में पहुंचती है, पहले पत्रकारों को दिखा दी जाती है, दो छोटी छोटी, आप इस बात को नकार सकते हैं क्या कि फिल्म को फायदा पहुंचाने के लिए भी इस आग को जला के रखा गया, जिन्होंने फिल्म पे प्रतिबंध लगाया था, जो ये बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी और हरियाणा के लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाया, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, मैं ज्वार यादव, बच्चियों के गैंग रेप होते हैं हमारे स्टेट में, हमारी भावनाएं तब आहत होती है, हमारी भावनाएं तब आहत होती है जब हरियाणा सरकार राम रहीम जैसे गुंडे को संरक्षण देती है, मंत्री वहां जाकर उनके सामने प्रणाम करते हैं, हमारी भावनाएं तब आहत होती है, ये जो ढकोसला है ना फिल्म की आड़ ले करके ये ढकोसला मत कीजिए, दूसरी बात चौहान जी कह रहे थे ऑब्जेक्शन किया था अजय जी, उन्होंने जवाब दिया,
अजय जी, पंडित जी जो है तो ये हर बात को आज से नहीं, बहुत सालों से ये हर बात को हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में ला करके वही रंग देने खतरनाक है मुझे लगता है। आप फिल्म निर्माता निर्देशक है ना, मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए, आप फिल्म फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए ना सर। नहीं पीके में, सर पीके में आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा लेते हैं, मुल्क के मजाक उड़ा लेते हैं। सर एक सेकंड, ठेका लेने की जरूरत नहीं है आपको। एक सेकंड सर, पंकज चौधरी को ठेका लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यह अधिकार नहीं देता। एक सेकंड अश्विनी चौधरी, मैं आपको यह अधिकार नहीं देता। अश्विनी चौधरी मेरे कंधे पर आप चढ़ के सवाल का जवाब दीजिए, चिल्लाएं सवाल का जवाब तो देंगे सवाल का जवाब भी नहीं देंगे या फिर सवाल का जवाब तो देंगे। मैं सवाल कौन सा सवाल, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये फिल्म फ्रेटर्निटी की कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है सर, जिसमें वो एक धर्म के लिए तो खुल के मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ईरान से एक पिक्चर आती है जिसमें म्यूजिक दिया केवल एआर रहमान ने, उन पे फतवा हो जाता है, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री से एक आदमी का मुंह नहीं खुलता सर, नहीं बोलते। ये डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे। गौतम जी कह रहे थे जब विश्व रूपम के समय भी इंडस्ट्री के लोग बोले, जब मधुर की फिल्म अभी जो इमरजेंसी पे फिल्म आई थी हिंदू सरकार, जब उस पे कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया तब भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बोले, उड़ता पंजाब पर भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बोले। हाँ अब बात यह है सर, मेरा सवाल एआर रहमान पे था, उस पर कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, हम बोल रहे हैं एक आदमी समर्थन नहीं खड़ा हुआ सर, हम समर्थन में खड़े हैं रहमान के, वो फिल्म रिलीज होनी चाहिए, हम खड़े हैं समर्थन में, आपके चैनल पे कह रहे हैं एआर रहमान ने जिस फिल्म में नहीं था वो फिल्म को रिलीज होना चाहिए, लेकिन वही मसला एक चीज हो गया है इस देश में, परंपरा चलने के बॉलीवुड की फिल्मों पे एतराज करो, और एतराज करने के बाद जब वो विरोधी का बैग लेके आए दिखाने के नाम पर वो लेके रख लो और सारे एतराज खत्म करो, ये परंपरा बॉलीवुड के ऊपर चल पड़ी है, बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है, जो ब्रेक के बाद उसकी फिल्म रिलीज के बाद सूरज पाल अपनी बात रखिएगा, क्या विरोधी के लिए हो रहा है, एक सेकंड, क्या विरोधी के लिए हो रहा है, सरकार की करनी देश की भरनी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो क्या उसके बाद भी इस फिल्म को लेकर विवाद होना चाहिए। सूरज पालमू आखिरी सवाल है, केवल 10 सेकंड आपके पास है, रास्ता क्या है, बस लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा, फिल्म प्रदर्शित नहीं होने देंगे लोकतांत्रिक तरीके से, आग तो नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार नहीं करेंगे, अहिंसक आंदोलन होगा, मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ, करनी सेना के कोई भी कार्यकर्ता जो 1.5 साल से हमने अभी तक कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे हमारी बदनामी हो, हम आगे भी नहीं करेंगे, परंतु हमारा आंदोलन जारी रहेगा, पद्मावती फिल्म को देश में नहीं चलने देंगे। वैसे हमें लगता है कि बजाय सड़कों पर उतरने के, धमकियां देने के, तलवारें दिखाने के, सबसे आसान तरीका यह हो सकता है कि आप फिल्म का टिकट ना खरीदेंगे, ना देखने जाएंगे, तो अपने आप वो मैसेज चला जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सामाजिक बहिष्कार भी एक हथियार है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में सड़कों पर उतर के दंगा फसाद करना, तोड़फोड़ करना कतई जायज ठहराया नहीं जा सकता। आप दंगल मोबाइल पर भी देख सकते हैं, आज तक का ऐप डाउनलोड करके या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करके aajtak.in। नमस्कार, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।